सोमवार की रात मुंबई बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ। AIMIM के नेता इम्तियाज जलील सोमवार शाम को औरंगाबाद से कई मुस्लिम संगठनों के साथ मुंबई बॉर्डर पहुंच गए। बाबा रामगिरी और नितेश राणे ने पिछले दिनों मुस्लिम समाज के लिए जो भी कहा है उसके विरोध में मुस्लिम संगठन तिरंगा यात्रा निकाल कर मुंबई पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील के साथ सैकड़ों कार का काफिला साथ चल रहा था। हालांकि पुलिस ने भी उन्हें मुंबई के अंदर पहुंचने से रोकने की बड़ी तैयारी की। मुंबई एंट्री पॉइंट पर मुंबई पुलिस और ठाणे पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया। मुंबई पुलिस ने रैली को मुलुंड चेक नाके पर रोकने की तैयारी की थी और हुआ भी ऐसा ही। मुलुंड चेक नाके पर बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस और ठाणे पुलिस के जवान पहुंच गए और बैरिकेड लगा दी। ऐसे में इम्तियाज जलील को अपनी रैली वहीं पर रोकनी पड़ी और उन्हें वापस जाना पड़ा। दरअसल भाजपा विधायक नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज ने मुस्लिमों को लेकर टिप्पणी की थी। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। धर्मगुरु रामगिरी महाराज पर पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। नासिक जिले के सिन्नर तालुका के शाह पंचाले गांव में एक कार्यक्रम के दौरान रामगिरी महाराज ने टिप्पणी की थी जिसका वीडियो वायरल हो गया। मुस्लिम संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया और रामगिरी की गिरफ्तारी की भी मांग की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन पर BNS धारा 302 समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। रामगिरी महाराज के खिलाफ नासिक और छत्रपति संभाजी नगर में भी FIR हुई है। रामगिरी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में ये बयान दिया था। उनका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना था। इधर नितेश राणे भी लगातार मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते रहे हैं। ऐसे में AIMIM ने इन दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में इस मुद्दे को सियासी रंग भी देने की कोशिश हो रही है। बुधवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस रैली के बाद एक और रैली की तैयारी की जा रही है। जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया भाई। इतने MLA मुस्लिम MLA जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था भाई। ये तो MIM का फंक्शन नहीं था, ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक BJP का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था, अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। ये तो नामू से रिसालत का मसला है ना, ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में, और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए बेशर्मों को, वो जो प्रोपोगंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए, एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी, और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले, इन लोगों नहीं आते तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में। मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है।